लेकिन तीसरा कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो कि आराम से चल रहा है भाई, सबको ओवरटेक करना है, सबको आगे निकलना है, हमें राइट में जाना है, इंडिकेटर पहले ही रखा था, राइट में चलते हैं। अब साहब ने सिग्नल के अनुसार चलिएगा, सिग्नल कभी भी नहीं तोड़िएगा। अब कई बंदे ऐसे में क्लच दबा के रखते हैं, जैसे अब मैंने सेकंड गियर किया है तो भी मैंने जब भी क्लच छोड़ दिया। ये देखिए भाई, जेसीबी वाला रुक गया लेकिन साइकिल वाले की बदमाशी नहीं जाएगी। लेकिन जा भाई टाटा वाले, तू भी पानी में कहां पर गड्ढा है, कहां पर क्या है, तो कार को बिल्कुल हम आराम से ले जाएंगे, कार को इतने आराम से चलाएंगे पानी में, अगर कोई गड्ढा भी होगा तो कोई नुकसान नहीं होगा कार का। तो भाई सामने देखिएगा, इस टाइम रोड पर पूरा रस चल रहा है, गाड़ियां बिल्कुल आपस में चिपक के चल रही हैं। अब मेरे सामने अमेज है, मैंने इससे थोड़ा बहुत डिस्टेंस मेंटेन रखा है, लेकिन अमेज ने ट्रैफिक वाले से बिल्कुल भी नहीं रखा है। अब ऐसे में हमारे दिमाग में क्या आता है कि गाड़ी को थोड़ा खींच के लेफ्ट में करते हैं, लेकिन दिखाइयो भाई सामने क्रेटा, ये देखो भाई सामने से मुर्ख पुराने आते हैं, क्रेटा वाला आया जैसे। अगर हम सोचते हैं कि एकदम लेफ्ट से करके स्पीड में ओवरटेक कर ले तो आपको ऐसे बंदे जरूर दिखेंगे भाई लोकल रोड पर। यह सर्विस लेन है, NH44 नेशनल हाईवे जा रहे साइड में से, ओवरटेक की भी सोचते हैं भाई, रॉन्ग साइड वाले बहुत ज्यादा आते हैं। तो रोड पर एक तो यही सोच के चलो बस है कि मतलब दूसरों से उनको ड्राइविंग नहीं आती, उनसे बच के चलना है। अगर गलती भी होगी तो भाई ये नहीं है कि एंड में उनके आगे अड़ा दी, नुकसान अपना भी होगा, गाड़ी अपनी भी टूटेगी। तो कभी भी ये चीजें मत अड़ाओ, जैसे ट्रैक्टर अचानक से निकल के आ गया भाई सामने से, अब मैं हॉर्न मार लेता या डिपर देता कुछ भी करता, ट्रैक्टर वाला देखता नहीं और कार जाके इसमें लग जाती। तो एक तो कभी भी जल्दबाजी ना करो, जैसे अमेज वाला चल रहा है, मैं चल रहा हूँ, बिल्कुल हम शांति से चल रहे हैं दो बंदे। लेकिन तीसरा कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो कि आराम से चल रहा है भाई, सबको ओवरटेक करना है, सबको आगे निकलना है, हमें राइट में जाना है, इंडिकेटर पहले ही रखा था, राइट में चलते हैं। अब साहब ने सिग्नल के अनुसार चलिएगा, सिग्नल कभी भी नहीं तोड़िएगा, सिग्नल देखिएगा आपको उधर का हो, अगर हम राइट में जाना हो राइट में जा सकते हैं, सीधा जाना हो सीधे जा सकते हैं। ये दो इस तरह के कुछ सिग्नल बने हुए हैं, ये नहीं है कि ग्रीन लाइट दिखी तो कहीं भी चल दी है। ग्रीन लाइट में ये देखो कि वो सिग्नल किस साइड का दिखा रही है। आप नॉर्मल अपने शहर में आपको इतना दिखता नहीं होगा, लेकिन जब आप चंडीगढ़ वगैरह जाओगे, दिल्ली जाओगे, तो भाई जब आपको पता लगेगा कि रेड लाइट कितनी तरह की होती है, इनमें क्या क्या रूल होते हैं, चार चार साइड के एक बार में सिग्नल दिए जाते हैं कि लेफ्ट जाना प्रोहिबिट है, राइट में जा सकते हो, इस टाइम वहां जा सकते हो, तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है इन चीजों का भी। जैसे ही आपका एक्सपीरियंस होगा भाई, बड़े शहरों में जाओगे और ज्यादा रूल रेगुलेशन देखोगे। ये भाई शायद इसमें लेडीज थी, ओवरटेक कर रहा था मैं, फिर भी गाड़ी बिल्कुल चिपका के रखी है। तो ऐसे में अपनी गाड़ी को जितना हो सके भाई उससे थोड़ा दूर ही रखो, क्योंकि रोड पर हर एक तरह के बंदे मिलेंगे। सामने अब गाड़ी पांचवें गियर में ट्रैली है, तो इस पोजीशन में क्या करना, सबसे पहले ब्रेक लेके कुछ नहीं, चौथा गियर कर दो, क्लच छोड़ दो, तीसरा गियर कर दो, दोबारा क्लच छोड़ दो। गाड़ी ने एक थोड़ा सा भी झटका नहीं लिया है, बिल्कुल स्मूथली गियर चेंज हुए हैं, क्लच छोड़ा है। अब कई बंदे ऐसे में क्लच दबा के रखते हैं, जैसे अब मैंने सेकंड गियर किया है तो भी मैंने जब भी क्लच छोड़ दिया। ये देखिए भाई, जेसीबी वाला रुक गया लेकिन साइकिल वाले की बदमाशी नहीं जाएगी। लेकिन जा भाई टाटा वाले, तू भी। ये भाई देखिए अमेज वाला दोबारा आ गया है, दोबारा कुछ ना कुछ कलाकारी करके दिखाएगा, ये क्या पता ट्रक में देगा हमारा सीधा। अब गियर शिफ्टिंग की बात आ जाती है लोकल में, इतने लोकल में इतने ज्यादा भीड़ भाड़ के एरिए में मिनट में चौक आते हैं। ऑटोमेटिक कार आपको कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि मेरी मैनुअल कार है तो मैनुअल में चौथे गियर में अब कार चल रही है, कार ने बड़ा गियर मांगा है, वैसे मीटर में कभी देखता नहीं मैं, खुद ही अपने अंदाजे से करता हूँ, तो पांचवा गियर कर दिया। अब दोबारा से मैं ब्रेक दबा लेता हूँ क्योंकि सामने देख अमेज मंदी हो गई थी। अब कार चौथे गियर में चल रही है तो इसका चीज का कोई फायदा नहीं है, कार को पूरी खींच के मैं पांचवें गियर में करूं। अगर मुझे अच्छी अगली गाड़ी से और मेरे में काफी डिस्टेंस बन गया तो मैं करूंगा, जैसे अब डिस्टेंस बन गया अब कार को पांचवें गियर में करके एक्सेलेरेशन कर देते हैं। लेकिन अगर कार में आपके में और आगे वाले व्हीकल में थोड़ा ही डिस्टेंस है और आप उसको खींच के बड़ा गियर करोगे, फिर ब्रेक मारोगे, फिर छोटा गियर करोगे, भाई उस चीज का कोई भी फायदा नहीं है। और एक अगले डिस्टेंस से अगले व्हीकल से डिस्टेंस का ये और फायदा है, जैसे अब मेरी कार गड्ढे में कूद गई है, ये अमेज चल रही है, अगर मैं इसके साथ चिपका कर रखूंगा तो मुझे गड्ढे वगैरह कुछ नहीं दिखेंगे और उनमें कार कूदेगी, उनसे मैं बचा भी नहीं पाऊंगा कार को जंप होने से। तो अगले व्हीकल से डिस्टेंस मेंटेन रखने के भाई फायदे ही फायदे हैं, नुकसान तो कुछ है ही नहीं। लेकिन मोस्टली बंदे चिपका के रखते हैं भाई, अमेज को बहुत देर होगी है, बिल्कुल चिपका रहा भाई। रही बात ट्रेन ड्राइवर की, तो भाई हैवी ड्राइवर से ऊपर तो कुछ होता नहीं उस लाइसेंस से, अपने पास वो लाइसेंस है, लेकिन उसके बाद भी डिस्टेंस पूरा मेंटेन रखो। हालांकि रोडवेज की ट्रेनिंग जब भी आप लोगे उसके ऊपर एक प्लेलिस्ट बनाई थी, उसमें आपको ये सिखाएंगे कि व्हीकल को बिल्कुल चिपका के रखना अगले व्हीकल के ऊपर तक, और कोई गियर छोटा नहीं करना, कुछ नहीं करना, खींच के रखना व्हीकल को। रोडवेज भाई चलती है ऐसे, और सिखाया भी इनकी ट्रेनिंग में ऐसे ही जाता, कोई यही नहीं है कि ड्राइवर बाद में चलाते हैं। लेकिन इस अमेज वाले जितने भाई हैवी ड्राइवर भी ना बनो,
अगले व्हीकल से अच्छा खासा डिस्टेंस रखो। अब जैसे इसमें पानी भरा हुआ है, अब मुझे नहीं पता पानी में कहां पर गड्ढा है कहां पर क्या है, तो कार को बिल्कुल हम आराम से ले जाएंगे, कार को इतने आराम से चलाएंगे पानी में, अगर कोई गड्ढा भी होगा तो कोई नुकसान नहीं होगा कार का। कई बंदे इसमें तेज खींच देते हैं, अब जैसे मैं अनजान हूं इस रोड से, मुझे ये नहीं पता कि इसमें कहां पर गड्ढा है रोड पर, तो भाई टायर वायर टूट जाए, अलॉय टूट जाए, गाड़ी में कुछ टूट जाए तो नुकसान है। अनजान जगह पर, अनजान क्या भाई, चाहे आप वहीं के रहने वाले हो, पानी में तो कभी तेज चलाओ ही मत कार। अभी इतना जैसे खड़के वाला रोड आ गया भाई, गाड़ी बिल्कुल खड़क रही है इसमें, तो इस पर भी ज्यादा स्पीड नहीं करेंगे कार की, इस पर कार को आराम से चलने देते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा स्पीड करेंगे प्लास्टिक के जो पार्ट हैं जो जॉइंट होते हैं वो ढीले होंगे, वो फिर आवाज करेंगे, कार खड़कने लग जाएगी। एक ऐसे रोड पर कभी भी खींचे मत कार को।